नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे कार्यों के ऊपर जो कि भूलवश भी आपको अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। मुख्यतः ये तीन कार्य उन लोगों के लिए भी हैं जो श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं या श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं तीन उन गलतियों की, तीन उन त्रुटियों के विषय में जो कि जाने अनजाने हम अपने जीवन में करते आ रहे हैं, जिस वजह से आप इस बात को पूर्ण रूप से सहमत होंगे कि इस वजह से हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा पूरी तरह से रुक जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये तीन वे कार्य हैं जो कि हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं, हम इनका अभ्यास कर रहे हैं या इनके अनुरूप चल रहे हैं और हमारा जीवन दोभर हो जा रहा है। तो आइए बात करते हैं पहले उस कार्य की जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि आप श्री महाराज जी से जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं। पहली गलती जो हम कर रहे हैं वह यह है कि अगर हम जीवन में श्री महाराज जी से अपनी बात कहना चाहते हैं, श्री महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जीवन में व्यसनों से और मांसाहार से, इन दोनों चीजों से दूर रहना होगा। ये वो दो चीजें हैं जो कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा को से आपको दूर कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जीवन में यदि आप किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं यानी कि नशा आदि करते हैं तो ये वो कार्य हैं जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होते। आप सोचिए कि एक ओर से आप आध्यात्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति बनना चाहते हैं, अध्यात्म में गति करना चाहते हैं और ये वो चीज हैं जो आपको अध्यात्म से पूर्ण रूप से दूर कर देती हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का नशा करना बहुत बुरी बात है और ईश्वर सबसे पहले ऐसे अनन्य भक्त को अपनी भक्ति से दूर कर देते हैं, वंचित कर देते हैं। क्योंकि आप स्वयं सोचिए कि एक ओर आप पवित्रता को अपनाना चाहते हैं, दूसरी ओर से आप स्वयं मलिन हो रहे हैं इस चीजों में, तो कैसे आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका एक कारण और भी है कि आप चाहते तो हैं कि ईश्वर से आपको सद्बुद्धि और सन्मति मिले, लेकिन दुर्बुद्धि के चलते आप ये सारे जितने भी व्यसन होते हैं, किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त रहते हैं, उस प्रकार से आपके जीवन में कृपा पूर्ण रूप से रुक जाती है। आप परेशान तो हैं कि मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं सही हो रहा, लेकिन आप एक ओर से पूरी तरह से इन व्यसनों का जीवन में इस्तेमाल करके अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने इर्द गिर्द के समाज को और मुख्य रूप से अपने परिवार को खराब कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन में किसी भी प्रकार का नशा आदि से यदि आप ग्रसित हैं या नशा आदि का कार्य कर रहे हैं तो अपने जीवन से इन चीजों को बहुत दूर कर दीजिए ताकि ईश्वर को और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को आप पहचान पाएं। दूसरी बात, इसमें हमने बात की थी कि बहुत से लोग मांसाहार करते हैं। अब देखिए, आप सोचिए, बहुत गहराई वाली बात है कि किसी जीव के परिवार, उसके परिवार को उजाड़ के यदि आप अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहते हैं, वह भी कुछ क्षणों के लिए भोजन स्वरूप में, तो सोचिए कैसे आप अपनी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। आप सोचिए, जिस जीव की हत्या करके आप उसका आहार बना रहे हैं, वो कैसे आपके जीवन में आपको कुछ प्रदान कर सकता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए कि किसी को मारकर अपने आप को या अपने जीवन को और शक्ति स्वरूप बनाना, क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल सही नहीं है। और मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए जो कि धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए इन सारी चीजों का कोई महत्व नहीं है। बल्कि इस सच्चाई को हमें ग्रहण करना चाहिए कि एक जीव की हत्या करके एक जीव अपना आहार कैसे बना सकता है। आप इसको सोच कर देखिए, मुख्य रूप से महाराज जी की कृपा रहेगी तो आप इन दुर्व्यवहारों से, इन बुरे व्यसनों से अपने आप को स्वतः ही दूर कर लेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद तो है ही। अगर आप एक कदम इस ओर आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम महाराज जी बढ़ाएंगे और आपके जीवन में कृपा अवश्य होगी। अब बात करते हैं, देखिए ये तो पहला वो कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे उस कार्य की ओर जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उस दूसरे कार्य की जो कि आपको भूलवश भी नहीं करना चाहिए। वे कार्य है कि अधर्म के मार्ग पर आपको कभी नहीं चलना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, बहुत स्वाभाविक सी बात मैं आपको बताऊंगा, इस बात को बहुत सरलता से समझाऊंगा कि यदि आप
धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं, श्री महाराज जी को समझना चाहते हैं, श्री महाराज जी के जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अधार्मिक कार्यों से स्वयं को दूर रखना होगा। अधार्मिक कार्य कौन से होते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत सारी श्रेणियां हैं इनकी, लेकिन कुछ मुख्य मैं आपको बताऊंगा जिस पर आपको अमल करना चाहिए और भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे पापवान कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो कि जीवन में अधर्म की ओर आपको अग्रसर करते हैं। जैसे कि देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे लोगों को निंदा करने का बड़ा आनंद मिलता है। मान लीजिए समाज में चार लोग बैठे हैं और वहां पर किसी अमुक व्यक्ति की निंदा हो रही है, अमुक घटना की निंदा हो रही है, तो उसमें बड़ा आनंद आता है। तो निंदा और निंदा करने वाले लोगों से आपको सदैव सदैव दूर रहना चाहिए। दूसरा, इसी में मैं आपको एक और बिंदु बताता हूं कि मान लीजिए अभी आपके जीवन का कठिन दौर चल रहा है, ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वह बुरा कार्य है जो कि हमें पता भी नहीं चलने देता और हमारे जीवन को पूर्ण रूप से ग्रसित कर लेता है। मान लीजिए आपका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आपके इर्द गिर्द बहुत सारे आपके ऐसे जानकार हैं जो कि अच्छे सफल व्यक्तित्व को प्राप्त कर चुके हैं। अब होता क्या है कि हम उनकी बुराई करना प्रारंभ कर देते हैं कि उस व्यक्ति के पास तो बहुत से सामर्थ्यवान लोग थे, इसलिए उसके जीवन में उसे तरक्की मिल गई, यानी कि जिसे कहा जाए कि जलन की जो भावना होती है, दूसरों से जलन की भावना अपने आप को जलाती है, ना कि उस अमुक व्यक्ति को जिससे हम ऐसे दुर्व्यवहार की भावना रखते हैं। और सबसे बुरी बात इसमें यह होती है कि जब हम किसी अमुक व्यक्ति से जलन की भावना रखते हैं तो उस व्यक्ति का जितना भी पाप होता है वो हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि आप उसकी सफलता से जलन कर रहे हैं, उस व्यक्ति से नहीं। क्योंकि आज जिस पद पर वो बैठा है या जिस पद को उसने प्राप्त कर लिया है, आप ये चाहते हैं कि उससे ज्यादा या उसके बराबर का पद काश मुझे भी मिल जाता, क्योंकि अंदर का जो मुख्य भाव है वो यही तो है। इसके फलस्वरूप आप उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके खिलाफ बुरी भावनाएं बोलकर आप अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, आप अपने जीवन में नकारात्मकता ले आते हैं। ये वो भावना है जो आपके अंदर पनप कर आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देती है और किसी प्रकार से ईश्वर की कृपा आपके जीवन में आने नहीं देती। अब आप सोचिए कि ईश्वर आपको आशीर्वाद तो देना चाह रहे हैं, लेकिन ये अवरोध आपने बनाए हुए हैं अपने जीवन में, जिस वजह से ईश्वर की कृपा ही नहीं मिल पा रही है। अब आप सोचिए कि आप जीवन में कैसे सफल होंगे? कभी नहीं हो सकते। इसीलिए ये भावनाएं, ये अधार्मिक कार्य अपने जीवन से आपको दूर रखने चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, जो कि आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। कार्य है, मैं आपको बता दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस विशेषांक का, वह यह है कि जब भी आप धर्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ऐसे कार्यों में देरी ना करें। मान लीजिए आपने एक नियम बनाया कि मुझे श्री राम जी के नाम का जाप करना है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो इस कार्य को कल पर ना टालते हुए आज से अभी से अपनाना शुरू करें। इसीलिए जीवन में जितने भी धार्मिक कार्यों के आपके मन में विचार आते हैं, कोई भी आध्यात्म से जुड़ा नियम यदि बनाने का आप प्रयास करते हैं, उसको कल पर मत छोड़िए। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ईश्वर जब किसी को सद्बुद्धि देते हैं, सन्मति देते हैं, उस समय देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहा हो वो प्रत्यक्ष रूप से श्री महाराज जी की तरफ से आ रहा हो। मान लीजिए, क्योंकि मन में एक दिन में अनेकों विचार आते हैं, लेकिन आप सोच के देखिएगा, यदि ईश्वर आपसे कोई कार्य कराना चाहते हैं जिससे आपका भला हो या आपको बहुत बहुत जीवन में सफलता मिल रही हो, तो ईश्वर आपको कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आकर नहीं कहेंगे कि ये कार्य कर लो। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक विचार जागृत होगा। अब मान लीजिए कि ईश्वर ने आपको एक विचार भेजा, इस ब्रह्मांड के द्वारा, इस सृष्टि के द्वारा कोई विचार भेजा कि अगर आप ये कार्य कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाए, पर आपकी तो आदत है हर कार्य को कल पर टालने की, तो आप उस कार्य को जब कल पर टालते हैं तो वो कल कभी आता ही नहीं। आपने सुना होगा बचपन में कि जो लोग किसी भी काम को कल पर टालते हैं तो कल तो कभी किसी का आता ही नहीं, और यही कल कल करते हुए आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं और आप तलाश करते हैं कि काश ईश्वर भी हमें कोई सन्मार्ग की ओर लेकर जाएं। लेकिन जब ईश्वर ने आपको चुना था, आपके जीवन में कुछ प्रेषित किया था,
तब आपने उसको पहचाना नहीं। इसलिए अच्छा समय कभी बताकर नहीं आएगा। जीवन में मौकों को पहचानना सीखिए और सदैव जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों की कभी हार नहीं होती। ऐसे व्यक्ति सफलता को एक प्रकार से एक ऐसा प्रत्यक्ष उदाहरण बन के प्रस्तुत करते हैं जो कि जीवन में सब तरफ उजियारा ही उजियारा लेकर आते हैं। तो आज का यह अद्भुत क्रमांक यहीं पर समाप्ति की ओर आ गया है, लेकिन समाप्ति से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।